हेलो गाइस, मैं हूं अली और स्वागत है आप सभी का इल्यूजन सीरीज की एक और वीडियो में। आज की वीडियो भी काफी कमाल की होने वाली है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अंत तक देखते देखते वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले इल्यूजन की ओर। ये काफी ही कमाल का इल्यूजन है, क्योंकि इस इल्यूजन को आप जब देखेंगे तो आपको पता तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफी ज्यादा हैरानी जरूर होगी। चलिए ये रहा आप सभी के सामने, बताइए कि आखिरकार इस इमेज को क्या चीज इल्यूजन बनाती है। आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। चलिए दोस्तों, आखिरकार जानते हैं कि आखिरकार इस इमेज को इल्यूजन क्या चीज बनाती है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर बहुत सारे हंस हैं और उनकी शैडो पानी पर पड़ रही है। बस इतना ही आप सभी को नजर आ रहा होगा, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हंस के साथ साथ एलिफेंट भी है। एक ही इमेज में दो चीजें हैं, ये हंस भी है और एलिफेंट भी है। काफी कमाल की बात है। देखिए जरा बीच वाले को, जिसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एलिफेंट नजर आएगा। जैसे ही आपको वो एलिफेंट नजर आएगा, आपको बाकी सारे भी एलिफेंट नजर आने लगेंगे। काफी कमाल का इल्यूजन है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले इल्यूजन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप इस इल्यूजन को सॉल्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिरकार इस इमेज को इल्यूजन क्या बना रहा है और वो इल्यूजन हो कैसे रहा है? आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार इस इमेज को इल्यूजन कैसे बनाया गया और आखिरकार इसमें इल्यूजन है क्या। जैसा कि आप इसके हाथ को देख सकते हैं, देखने पर ऐसा लग रहा है ये जानवर अपनी ही सेल्फी खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा, जो शीशे के बाहर इसे देखने आया है, वो इसकी फोटो खींच रहा है और रिफ्लेक्शन शीशे पर पड़ रही है। इस तरीके से कैसा लग रहा है, वो जानवर अपनी ही सेल्फी खींच रहा है। काफी कमाल का है और यही इसका इल्यूजन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पता चल गया था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार इन तीनों में से कौन मर चुका है? ध्यान से देखिए और सोचिए और फिर बताइए। इसका सही आंसर है कि यहां पर यह लड़की मर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आप इसके मॉनिटर पर देख सकते हैं, इसकी हार्ट रेट की लाइन बिल्कुल ही सीधी हो चुकी है और इसका दिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, जिसका मतलब कि यह मर चुकी है। क्या आपने ये चीज गौर की थी? अगर गौर की थी तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले इल्यूजन की ओर, और ये भी अच्छा इल्यूजन है, आपको पसंद जरूर आएगा। अब जो इल्यूजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हिडन इल्यूजन है। आपको इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है, उसे ढूंढ कर बताना है और वही इल्यूजन है। चलिए देखते हैं कि आप में से कौन कौन इसे पहचान लेते। ये रहा आप सभी के सामने वो इमेज, आपके पास 10 सेकंड है, ढूंढिए और बताइए। इस इमेज के पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बड़े बड़े पत्तों के बीच में एक एलिफेंट भी है, जिसे पेंट कर दिया गया है पत्तों के कलर में और उसे छुपा दिया गया है, जो कि ये रहा काफी कमाल का है। चलिए दोस्तों आज के आखिरी इल्यूजन की ओर बढ़ते हैं, और इस इल्यूजन का आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे, और जो जो सही देगा, मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसका नाम मेरी अगली वीडियो में जरूर आए। और एक ऐसा कमेंट जो कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसे वीडियो के बीच में शाउट आउट जरूर दूंगा और स्पेशल तरीके से दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा वो कमेंट होगा जिसे मैं स्पेशल तरीके से शाउट आउट दूंगा। तो ये रहा आप सभी के सामने वो इल्यूजन जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, और ये रहे वो लोग जिन्होंने पिछले इल्यूजन का आंसर सही दिया था। इस इल्यूजन का आंसर मैं सारे के सारे कमेंट तो नहीं दिखा सकता, ये मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। तो ये रहे वो कमेंट, और सॉरी मैं लोगों नहीं दिखा सकता, ये YouTube गाइडलाइन के खिलाफ है। तो चलिए ये रहे आपके नाम। चलिए दोस्तों, तब तक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।